ओके बेसिक क्या है, सिनारियो समझने चाहिए। जब देखो एक चीज सबको समझनी चाहिए, ऑन पैसिव इधर ही रहने वाली है, ऑन पैसिव कहीं भागने वाली। ये दिमाग से जो कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड है वो निकाल दें पहली बात। सेकंड बात है सिनारियोज देखनी चाहिए कि हम तो बंद थे यार, तो हम बंद होके हमारे सर्वर्स बंद थे, ऑन पैसिव बंद थी सारी की सारी, तो ऑन पैसिव अभी खुल रही है। ओके तो ऑन पैसिव खुल रही है, तो मिस्टर एश ने आके पहले क्या बोला कि जब हम सर्वर ही चेंज कर रहे हैं, सब कुछ चेंज कर रहे हैं, तो हमारा डाटा पहले कहाँ जाएगा? नए सर्वर्स पे जाएगा। ओके ओके तो जब नए सर्वर्स पे जाएगा तो एक बार डाटा चले गया, फिर उसकी चेकिंग होगी कि क्या जो हम सारा का सारा भेजना, कुछ पीछे तो नहीं छूट गया, कुछ मिसिंग तो नहीं है, तो इंटरनल चेकिंग होगी, उसके सिक्योरिटी फीचर्स सारा कुछ हो गए, तो पिछले 1-2 महीने से यही तो कर रहे हैं। ओके तो वो जब सारा ट्रांसफर होके ओके होगा तो क्लिक करके वेबसाइट को ऑन करेंगे, ओके भाई साहब ये आप लॉग इन ले लीजिए। ओके अब उसमें ये कहीं नहीं है कि हम आपको पे आउट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो बात तब आएगी जब ओईएस लॉग इन हो जाएगा, उसके बाद आपको बैक ऑफिस में या वेबिनार शुरू हो जाएंगे, उसके बाद बताया जाएगा कि आपको पे आउट कब आ रहे हैं। कुछ लोग अगर सोच रहे कि ऑन होते ही सारा कुछ हो जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, दैट इज देयर माइंड, वो उनका माइंड है, उनके माइंड को कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज जो विनिंग माइंड होता है, जो जो माइंड फोकस होता है और जो माइंड एक्चुअल में कुछ करना चाह रहा है वो। तो देखिए साथ के साथ में बैक एंड के ऊपर अगर नए ऑफिस आ रहे हैं, दैट मीन कंपनी एक्सपेंड कर रही है, कंपनी आपकी ये नहीं कि बंद हो रही है, कंपनी एक्सपेंड कर रही है। लुक एट दिस कंपनी ऑन पैसिव, इतना कुछ होने के बाद भी लोग बंद हो जाते हैं, बट हेयर इज ए कंपनी विच इज एक्सपेंडिंग साइमल्टेनियस। क्यों? क्योंकि विजन पड़ा है, उस विजन को इनलाइन करते हुए ऑफिस खोलने पड़ेंगे जगह जगह पे, मे बी समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ होता रहेगा। पे आउट कैसे देने, कहाँ से देने हैं, किधर से, कंपनी के कौन सा गेटवेज हैं, ये है वहां से बैठ के उसको मॉनिटर किया जाए, काफी चीजें हैं। ओके वो चीजें छोटी सी चीज नहीं है, तो इसलिए जब वो छोटे दिमाग वाले लोग कुछ ग्रुप्स में या कुछ कहीं पे आज फालतूगिरी वाले लिखते हैं कुछ भी, ओके ये हो गया, ऐसे ने इतने पैसे ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, तो भाई साहब अपने दिमाग को थोड़ा अपलिफ्ट करो, अपने थिंकिंग को एमएलएम वाली घटिया थिंकिंग से निकाल के एक कॉरपोरेट थिंकिंग वाली थिंकिंग अपने दिमाग में प्लीज डालिए। ओके बिकॉज एमएलएम, मैंने पहले भी बोला था पिछली जब हम लोग आए थे प्राइम डिस्कशन में, एमएलएम कंपनी होती ना ये तो भाग जाती अभी तक। ओके ये जो सब कुछ हुआ है और ये पीछे भाग जाती, मई जून में भाग जाती। ओके ये भागेगी नहीं। ओके आपको अपने दिमाग को रिफ्रेश करके मिस्टर ऐश को जो सेटबैक लगा उसको देखिए क्या हो रहा है था। ओके बताएंगे मिस्टर ऐश, आपकी आंखें खुल जाएंगी।